और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है सागर के पास, लिए चलते हैं आपको सागर। तो चलिए फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर न्यूज रूम में इस वक्त की, भूकंप से जुड़ी है, जहां पर कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप के झटके कई जगहों पर पूरा उत्तर भारत दहला इन भूकंप के झटकों से। नेपाल जो है केंद्र बताया गया इन भूकंप के झटकों का, लेकिन इस भूकंप से कई जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई नेपाल में तो जानमाल का भी नुकसान हुआ है। हालांकि भारत में कोई ऐसी खबरें सामने नहीं आई, लेकिन आज के दिन न्यूज इंडिया ने जो ग्राफिक्स तैयार किया कि आखिर कितनी तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक होता है और आखिर इस भूकंप से क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर हम जिक्र करें कि कब कितनी तबाही भूकंप लाता है, 0 से 1.9 तक सिर्फ सिस्मोग्राफ से पता चलेगा, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं होता है। भाई अगर बात करें 2 से 2.9 तक तो हल्के झटके महसूस होंगे अगर रिक्टर स्केल पर इतनी तीव्रता भूकंप की रही तो। वही आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए जिक्र हम करते हैं 3 से 3.9 पे कोई ट्रक नजदीक से अगर गुजर जाए तो ऐसा असर यहाँ पर होता है, मतलब कि थोड़ा सा कंपन, थोड़े से झटके वहाँ पर महसूस होते हैं। वही अगर आगे हम बात करें तीव्रता को लेकर तो 4 से 4.9 पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम भी गिर सकती है। लगभग कल के दिन इस तरह के झटके महसूस किए गए, लेकिन उत्तर भारत में कई जगहों पर 5 से 5.9 के बीच फर्नीचर हिल सकता है और मकानों में दरारें भी आ सकती हैं। कल जो भूकंप आया सामने वहां पर कई जगहों पर तीव्रता इतनी रही है, कई जगहों पर दरारें भी देखी गई। कल के दिन नेपाल में 6.3 तीव्रता की भूकंप थी, इसी के बीच कच्चे घर गिर गए और इमारतों की नींव भी हालांकि तरक गई। कुछ इसी तरह के हादसे वहां पर हुए, 6 लोगों की जाने भी गई है। 7 से 7.9 के बीच इमारतें मकान गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये ग्राफिक्स हमने इसीलिए तैयार किया ताकि आपको पता चल सके कि कितना भूकंप कितना खतरनाक होता है। 8 से 8.9 के बीच इमारतें समेत बड़े पुल भी गिर सकते हैं, सुनामी का खतरा भी होता है। सन 2015 के हमने भूकंप में ऐसा हमने देखा था, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से तस्वीरें रही भूकंप की और कहां पर ज्यादा झटके महसूस किए गए चारों। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से भूकंप से दहल गई धरती। दिल्ली, लखनऊ, रामपुर और नेपाल की तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देखिए राजधानी दिल्ली की, जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि भूकंप आया है, जैसे ही धरती हिली तुरंत ही लोग घरों से बाहर आ गए। लखनऊ में आप देखिए झूमर हिलने लगा, रामपुर में भी झूमर पंखे हिलने लगे, उसकी तस्वीरें लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि उन्हें भी महसूस हुआ कि भूकंप आया है। दूसरी तस्वीर, आखिरी तस्वीर नेपाल की है, जहां पर एक मकान तक गिर गया और इस हादसे में 6 लोगों की